वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि सीएमसी वेल्लोर के बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, रजिस्ट्रेशन यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर तुमने फिल नहीं किया है तो तुम्हें जो है फिल कर देना चाहिए। नेसेसरी जो भी डिटेल्स थी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर तुम्हें सीएमसी वेल्लोर से जुड़ी कोई भी डाउट्स हो तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। एलिजिबिलिटी से जुड़ा, यहाँ पर कट ऑफ से जुड़ा कोई भी यहाँ पर डाउट हो तो तुम्हें जो है कमेंट सेक्शन में बताना कि ताकि उस पर जो है हम फर्दर वीडियोस बना सके। तो सीएमसी वेल्लोर के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आउट हो चुके हैं। एमबीबीएस के लिए तुम अभी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट एमबीबीएस के लिए यहाँ पर नीट के स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एमबीबीएस बीएससी नर्सिंग और भी जो एलाइड कोर्सेज हैं उन सभी के लिए जो है रजिस्ट्रेशन तुम लोग कर सकते हो। तो तुम्हें कैसे करना है मैं प्रोसेस बता दूंगी इस वीडियो में, तो देख लेते हैं हम कंप्लीट प्रोसेस को। तो cmcvellore.ac.in पर तुम्हें आ जाना है, ठीक है। admission.cmcvellore.ac.in पर जब तुम आ जाओगे तो एडमिशन पेज तुम्हारे सामने जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिस पर तुम देख पाओगे सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री कोर्सेज ग्रुप ए में है जो इंक्लूड किए गए हैं वो एमबीबीएस बीएससी नर्सिंग और जो भी अलाइड हेल्थ कोर्सेज यहाँ पर किए गए हैं, एंड जो ग्रुप बी में यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं वो नर्सिंग एंड उसके साथ साथ एमएससी के कुछ यहाँ पर कोर्सेज किए गए हैं, तो ये यहाँ पर जो है अपना इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर तुम्हें कैसे अप्लाई करना है, तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज ग्रुप ए पर। जब तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आने वाला है अपना लिंक, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है फॉर एडमिशन के लिए ओपन हो जाएगा, ग्रुप ए के लिए भी ग्रुप बी के लिए भी, ठीक है। यहाँ पर जो है तुम्हें नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पर जो तुम प्रोस्पेक्टस वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। एडमिशन बुलेटिन पर जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो रजिस्ट्रेशन करना है, तो तुम्हें जो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर तुम्हें क्लिक कर देना है। यहीं से जाकर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो है पेज खुल जाएगा, तो तुम्हें कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर दी जाती हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उन्हें तुम्हें सबसे पहले जो है ध्यान रख लेना है। एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, जब तुम एडमिशन बुलेटिन को जब ओपन करोगे, मैंने तुम्हें पहले इंस्ट्रक्शंस बता दिए हैं, तो डोंट बी पैनिक। अगर तुम्हें नहीं पता है इंस्ट्रक्शंस तो मैं फिर से एक बार बता दूंगी, बट यहां पर जो है तुम्हें ध्यान रख लेना, जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे जो भी बातें होंगी वो तुम्हें ध्यान रख लेना है। तो मेनली तुम्हारे पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट ओनली उसको जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करना होगा जो कि रनिंग में होगी, बिकॉज उस पर जो है ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो जो है रनिंग तुम्हें ईमेल आईडी और रनिंग मोबाइल नंबर जो है देना होगा, ताकि जो तुम्हारा कम्युनिकेशन इस यूनिवर्सिटी के साथ इन जो भी आगे आने वाले टाइम में जो है अच्छे से हो सके, ठीक है। और मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए। यू मस्ट हैव टू कीप सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रेडी बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले तुम्हें फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है रेडी रख लेना है, बिकॉज इनकम्प्लीट अगर जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ये लोग जो है एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। तो यहाँ पर जो फोटोग्राफ से जुड़ी क्या बात है तुम्हें ध्यान रख लेनी है, तो रिसेंट फोटो होनी चाहिए तुम्हारी, कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, एंड यहाँ पर जो है जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 8KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। विड्थ तुम देख सकते हो 150 पिक्सल की, और हाइट 150 पिक्सल की यहाँ पर तुम्हें रख लेनी है, ठीक है। सिग्नेचर के लिए वो स्कैंड होने चाहिए और यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 50KB से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। विड्थ 150 की चल जाएगी, 150 पिक्सल की, हाइट 50 पिक्सल की यहाँ पर होनी चाहिए। अप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाली है वो यहाँ पर रहने वाली 800, ठीक है। 800 यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। इन एडिशन टू द रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर कोर्स अप्लाइड, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी जो कि पर कोर्स में अप्लाइड होने वाली है वो अलग रहने वाली है, और अप्लीकेशन की फ़ीस यहाँ पर ये रहने वाली है। बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 इन्होंने रखी है, तो 800 ये हो गई, 500 ये हो गई, टोटल तुम ऐड कर सकते हो। तो ये यहाँ पर अपनी फ़ीस है। तो जैसे कि इन्होंने मैंशन कर दिया कि ग्रुप ए के लिए हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रखी है पर कोर्स, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए भी यही है, एमबीबीएस के लिए भी यही है, और ग्रुप बी के लिए उन्होंने जो है थोड़ा से अलग चार्जेस रखे हैं, लाइक डिप्लोमा
डिप्लोमा इन नर्सिंग यानी कि जीनम के रिगार्डिंग अगर हम बात करें एंड अदर यहाँ पर एलाइड कोर्सेज के लिए, तो इन्होंने 100 पर कोर्स यहाँ पर फीस रखी है एंड एमपीएच के लिए एमएससी कोर्सेज के लिए 500 पर कोर्स यहाँ पर इन्होंने रखी है। तो अगर तुम्हें जीनम करना है तो वो भी तुम्हें अप्लाई कर दे रहा है। इन्होंने जो है जीनम को ग्रुप बी कोर्सेज में रखा है, बीएससी नर्सिंग को ग्रुप ए में रखा है, तो दोनों के लिए तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो और किस किस बातों का तुम्हें ध्यान रख लेना, एप्लीकेशन फीस जो है तुम पे कर सकते हो आईसीआई बैंक से पे कर सकते हो या फिर क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग से कैसे भी तुम फिल कर सकते हो। और उसके साथ साथ तुम्हें ध्यान रख लेना है कि एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है ग्रुप ए के लिए भी, ग्रुप बी के लिए भी, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए भी, जो यहाँ पर वेलोर में सीएमसी वेलोर में रन होने वाली। यू कैन अप्लाई फॉर द कोर्स ग्रुप ए अलोन या फिर ग्रुप बी अलोन, ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए भी तुम अप्लाई कर सकते हो, अल्टरनेटिवली भी तुम कर सकते हो। तो दैट्स अप टू, ये तुम्हारी चॉइस पर है। देर शुड बी हावेवर वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से सिर्फ पर कैंडिडेट जो है सबमिट किया जाना चाहिए। ये नहीं कि दो एप्लीकेशन फॉर्म तुम यहाँ पर सबमिट करो, सिर्फ एक ही होना चाहिए। डू नॉट मेक डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। डुप्लीकेट तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इफ़ यू नीड टू डू एनी करेक्शन, एड कोर्सेज, रिमूव कोर्सेज आफ्टर सबमिशन, देन यहाँ पर तुम जो है इनके रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है ईमेल से या फिर फ़ोन नंबर से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें फिल करने के बाद कोई भी चेंजेस करने हैं तो तुम्हें कॉन्टैक्ट करना है। ये नहीं कि तुम्हें डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कर देना। अगर डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो यहाँ पर जो है ये लोग एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। प्लीज़, और किन किन बातों का तुम्हें ध्यान रख लेना है कि एप्लीकेशन फॉर्म इज़ टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। अगर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट ही होगा, ठीक है, और कोई यहाँ पर अदर इसके लिए ये नहीं कि अल्टरनेटिव रखा गया है। इफ एप्लीकेशन प्रोसेस गेट इंटरप्टेड आफ्टर यू सबमिट द बेसिक इन्फॉर्मेशन और अपलोड फोटो, यू कैन साइन इन अगेन यूजिंग द टेम जो भी तुम्हारी ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ। अगर तुम फील कर रहे हो उस टाइम पर कोई इंटरप्रिटेशन हो जाती है या फिर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या कर लेना है, जो तुम्हें लॉग इन आईडी और डेट ऑफ बर्थ है उससे तुम्हें लॉग इन हो जाना है एंड देन फर्दर प्रोसेस तुम कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट, यहाँ पर तुमने अगर अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पर नोट नहीं की थी, तो तुम्हें अपनी ईमेल या फिर जो है एसएमएस चेक कर लेनी है, ठीक है। उस पर तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम कर सकते हो। यू कैन गो टू द मेन मेनू ऑफ एप्लीकेशन साइट एंड आइकन पे तुम जो है फॉरगो टेम्परेरी लॉगिन आईडी और एप्लीकेशन नंबर पर जाकर भी तुम कर सकते हो। बट तुम्हें जो है फॉर्म फिल करते टाइम ये बात का ध्यान रख लेना है कि लॉगिन आईडी और डेट ऑफ बर्थ जो है ज़रूर से तुम्हें, डेट ऑफ बर्थ तुम्हें पता होगी बट लॉगिन आईडी जो तुम्हारी पर्टिकुलर उस टाइम पर हो वो तुम्हें लिख लेनी कहीं पर, ताकि तुम जो है फॉरगोट ना करो। तो प्लीज़ डू नॉट सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म टू रजिस्ट्रार ऑफिस, का हार्ड कॉपी सेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ द फीस इज पेड बाय, अगर तुम फीस जो है पे कर रहे हो चलान से, देन ओरिजिनल जो चलान होगा हैज़ टू बी सेंड टू द रजिस्ट्रार ऑफिस। अगर चलान से अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें चलान सबमिट करना पड़ेगा 15 जून से पहले, ठीक है। 15 जून से पहले तुम्हें ऑफिस में जो है यहाँ पर सबमिट कर देना। बट अगर तुम यहाँ पर ऑनलाइन कर रहे हो नेट बैंकिंग से या फिर कैसे भी कर रहे हो डेबिट क्रेडिट, तो तुम्हें कुछ भी यहाँ पर सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वाइल एप्लीकेशन जब तुम फॉर्म फिल कर रहे हो, यू गेट एन पॉपअप मैसेज से द प्रिवेंट दिस पेज फ्रॉम द क्रिएटिंग एडिशनल डायलॉग, डू नॉट क्लिक ऑन द बॉक्स नेक्स्ट टू दिस पेज, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिखे तो उस पर नेक्स्ट पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, ठीक है। अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो मैंने तुम्हें बता दिए, जिन जिन बातों का तुम्हें ध्यान रखने लगा वो सभी मैंने बता दी। अभी तुम्हें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आने के बाद एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद जो तुम देख सकते हो, कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। कैंडिडेट को अपना नाम लिखना है, जो भी स्कूल के रिकॉर्ड में होगा उसी के अकॉर्डिंग नाम लिखना है, नाम में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, जेंडर मेंशन करना है, ईमेल आईडी जो तुम्हारी है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐड कर देनी है कैंडिडेट की या फिर से पेरेंट की यहाँ पर जो है ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर तुम्हें फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर तुम्हें फिल कर देनी है, ठीक है। और इस पर तुम्हें क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर तुम रजिस्टर हो जाओगे, रजिस्टर पर तुम्हें क्लिक कर देना, रजिस्टर हो जाओगे, देन यहाँ पर पेमेंट वगैरह भी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टोटल वो प्राइवेसी कंसर्न के बेसिस पर, बट आई थॉट कि इतना गाइड करने के बाद तुम एप्लीकेशन फॉर्म 100% फिल कर लोगे, तो बिल्कुल ईजी बना दिया है इस वीडियो ने तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तो आई थॉट तुम कर लोगे इस वीडियो को देखकर, तुम्हें बेसिक जो भी बातें तुम्हें ध्यान रख लेनी थी वो तुम्हें पता चल गई होंगी, ठीक है। तो ये सभी बातें तुम्हें
ध्यान रख लेनी, यहाँ से जाकर तुम रजिस्टर हो जाओगे एंड देन यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो तुम्हें फॉलो कर लेने हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।